और आगे की साइड भैया बर्फ ही बर्फ, लोग ही लोग, और ये जो व्यू दिख रहा है ना, मजे आ गए। नाइस, देख लो भाई कितनी बर्फ है भाई, इतनी फ्रेश बर्फ है कि इसका वो भी नहीं बना सकता मैं, स्नोबॉल देख लो। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है, अब देख लो इस गाड़ी को, इस वाली एक्सयूवी को लेके हम सारे आ चुके हैं। सारे क्या, मैं और मेरे दो भाई हैं, हम आ चुके हैं मनाली के अंदर। और फिलहाल जो है मैं खड़ा हूँ आउटस्कर्ट्स ऑफ मनाली, यानी मैं जहाँ पर रुका हुआ था वो मनाली से थोड़ा पहले था। अभी जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वो मनाली क्रॉस करते ही है, यहाँ से जो सोलांग वैली वो करीब करीब 10 किलोमीटर बच जाती है। और अब लग रहा है टाइम आ चुका है, क्योंकि इसके बिना जो है व्लॉग्स मेरे अधूरे रहेंगे। तो मैं हूँ शुभम सांगवान, वही आ चुका हूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर, कल ही आ चुका था आप सारे जानते हो। और अभी जो है मनाली से निकल चुके हैं, दूसरा दिन है हमारा। अभी निकल के हम जा रहे हैं सिसु। सिसु यानी कि यहाँ से करीब करीब पड़ता है अपना, मनाली से अगर कहूँ तो 50-55 किलोमीटर पड़ता है, और मनाली क्रॉस करते ही 2 किलोमीटर, मतलब वो देख लो ये जो सारे दिख रहे हैं, ये सारा मनाली है। और बर्फ 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 उधर जाना है, सोच लो उधर भी पार करके थोड़ा। तो अब भाई दिखाई दी मैंने शक्ल, तो शक्ल के साथ ही बात कर लो। यस, तो अब जो है जा रहे हैं हम सिसु। सारी ट्रिप मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ रहती है। 50-55 किलोमीटर है सिसु के अंदर भाई, इस टाइम बर्फ है। तो बर्फ़ में एक्सयूवी क्या परफॉर्म करती है चलाने में, मतलब बर्फ़ की रोड पे, देखते हैं। अगर ब्लैक आइस मिलती है तो मुश्किल हो जाएगी, बाकी यही है। सेकंड जो वीडियो है मेरी, इसी में यही रखूंगा कि एक्सयूवी जो 500 है उसका बर्फ में ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या कुछ रहता है। और बस ये ऊपर जो ये इसके UFO सा है, ये बड़ा खटकता है मेरी आंखों में, W10। ओके, कलर अच्छा है। इस कलर का मैं एक बढ़िया बात बताऊँ भाई, इस पर मिट्टी बहुत कम दिखती है, इसलिए बड़ा मज़ेदार कलर लगा। और ये एकलौता कलर था एक्सयूवी 500 की रेंज में जो इंटीरियर में फुल ब्लैक आता था। हबीबी कम टू हिमाचल। अरे भाई ये बड़ा फायदा लगा भाई, ये W10 वाली ले तो आई, इसका एक फायदा भी लगा मेरे को, नुकसान भी लगा। फायदा लगा इस चीज का, नुकसान लगा कि अगर मेरी ऑटोमेटिक होती तो यहाँ पर पहाड़ों में चलाने में और कन्वीनियंट रहती। बाकी सारी जो ट्रिप रहती है, पीछे हमारे कैमरामैन है, सब रिकॉर्ड करता रहिए भाई, पीछे से सनरूफ के सारे शॉट्स आ जाने चाहिए। ओके, ले लिए भाई। तो वैर एक हाथ से अभी चलाना सेफ नहीं है, तो पीछे वाला जो कैमरा मैन है अभी सारी लगाम उसके हाथ में दे देता हूँ, फिर कमेंट्री में करता रहूँगा बीच बीच में। ये दिखा देता हूँ आपको, सोलांग वैली 3 अटल टनल 14 किलोंग 57 दर्चू सरचू ले जो भी है। और इस टाइम यार देखो, आज है फ्राइडे है ना, फ्राइडे है और वीकेंड अब शुरू हो गया, तो हमारी साइड वाले, हमारी बेल्ट वाले जितने लोग हैं ना, यहाँ पर आना शुरू करेंगे। हमारी बेल्ट मतलब दिल्ली NCR वाली, गाड़ियां भी दुनिया भर की मिलने वाली है आपको। कंटिन्यू भाई, अभी हमारा वेलकम हो चुका है सोलांग वैली के अंदर। और बर्फ़ के आपने देख लिए होंगे सिनेमैटिक्स, पड़ी है सोलांग में बर्फ़।
हम फ्राइडे को आए, मेरे ख्याल में ट्यूसडे या मंडे को यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी मनाली में पहली, और उस दिन तो आने का प्लान बना नहीं, वरना उस दिन तो और ज्यादा ही मजे आ जाते। भाई चलते फिरते अटल टनल से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर पहले लाइन शुरू हो गई अटल टनल वाली, और उधर के दिखाऊंगा आपको सारा सौदा। देखो ठंड तो इतनी नहीं बड़ी, बाकी देखो ब्लैक आइस, यहाँ इंसान ऐसा फिसलेगा, इंसान का गाड़ी फिसल जाती है। देखो भाई कितना लंबा रहता है, बाकी 1 किलोमीटर अटल टनल पूरा। तो पहली बार कैमरे के पीछे, और कैमरे के आगे पीछे तो हमेशा था, देखते हैं मैं चेक नहीं करूँगा कि कैसी शक्ल आ रही है, नहीं आ रही, सीधी अपलोड करूँगा। ये तेज है भाई, जाओ जाओ करो जाम करो। लो जी अटल टनल में ये पकड़े, स्वागत है। अटल टनल खत्म होने में रह चुका है केवल 500 मीटर, और वैसे इतनी ठंड नहीं लग रही, लेकिन ये जो सनरूफ से निकल के खड़ा हुआ है ना, ऐसे हवा कट के और सीधी मुंह पे लग रही है, बहुत जोरदार। वाह भाई वाह वाह, निकलते ही आंखें खुल गई गाइस, काजा रोहतांगला राइट, ले करगिल श्रीनगर लेफ्ट, कहाँ जाना है बताओ। भाई हमने नेविगेशन अभी भी नहीं लगा रखी, ऐसे ही चल रहा है। और तो अपना अटल टनल से निकल चुके हैं, और यहाँ से कितना किलोमीटर रह जाता है, 25। लेक्सस चल रही, ये कौन सा मॉडल है, खाली हिमाचल में आता है, लिमिटेड शिन चुकला नाम ऐसे ऐसे समझ। यहाँ करवानी पड़ती है भैया फी। और टनल पार करते ही थोड़ी आगे जाके कटती है अपना एक पर्ची, 300 रुपए की, रुक जाओ, 300 रुपए की गाड़ी नंबर MUVs, सही है, कोई ना, पकड़ो पर्ची। ये सिर्फ हिमाचल से बाहर की जो गाड़ी होती है उनके लिए ही होता है।
भैया पहन रखे हैं मेरे पास ही है ना। तो भैया सिसु में आपका स्वागत है। स्वागत है, दबा लो ना, नहीं खुल रही। और आगे की साइड भैया बर्फ ही बर्फ, लोग ही लोग, और ये जो व्यू दिख रहा है ना, मजे आ गए। बाकी ये रही अपनी एक सीयूवी 500। जैकेट लायक ठंड लग नहीं रही भाई, सच बोलूं। बाकी पतली वाली ले लेता हूँ। चलो जी जैकेट पहन लेते हैं। यार उस साइड गाड़ी वाड़ी भेज दे, मजा आ जाए। रास्ता नहीं है, धोखा हो गया। मैं सोच रहा सिसु में सड़क पे ही बर्फ मिलेगी, ये दिस इज धोखा मैन। भाई ये होती है स्लिपरी बर्फ, और अगर इस पे भी नहीं फिसल रहा मतलब आपके जूते हैं बढ़िया है कि नहीं। वेरी एक्सपेंसिव है भैया, हाइट का फर्क आ रहा है, सांस चढ़ रही है, इतने हाइट पे आए हैं पहली बार हम। चलो भैया बर्फ देखो पहले तो। ऑटोमोबाइल व्लॉगर से मेरे को बर्फ व्लॉगर बना दिया गया है। या अब चढ़ेंगे भाई ऊपर, चोटी पे जाना है, चोटी से नीचे नहीं आना है, ठीक है? हाँ चोटी से नीचे रुकना नहीं। हाँ ये बहुत ज्यादा बर्फ है, फर्स्ट टाइम। हाँ भाई देखो मैं बताता हूँ, हाय अंकल जूते हैं यहाँ यहाँ तक की बर्फ में पा दे रहे हैं। चलो भाई चढ़ते हैं गाइस, आ जाओ गाइस। हाँ गाइस आ जाओ, आ गए गाइस। अब ज्यादा है, बढ़िया जूते पैर ले आई, फिसल नहीं रहे। वी डोंट बिलीव इन रेंट के जूते, उतरा बोला हो। ओ हाँ इस वाले जा रहे हैं ना भाई, सांस फूली, ऊपर पहुंच के ही करेंगे अब। नाइस, देख लो भाई कितनी बर्फ है। हाँ ये कर लो पहले भाई, इतनी फ्रेश बर्फ है कि इसका वो भी नहीं बना सकता मैं, स्नोबॉल। देख लो भाई मैं तो आ गया नीचे क्योंकि पैर फिसल रहे थे, और मेरे भाई को देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा, वो दिख रहा है एक आदमी, वो देखो कहाँ पहुंच गया। अपन तो आ गए ये नीचे, घुटने घुटने तक की बर्फ है भाई आगे तो। भाई सब ठीक है, नो क्या बोलते हैं, बुरा मानने की बात नहीं, पर ऐसे मत आया करो। अभी वो जो कपल था, जो भी था, कपल ही था, उसमें जो औरत थी वो थी, रील बनवा रही थी अपने हस्बैंड से, और क्या कह रही थी, हेलो गाइस बर्फ, हेलो गाइस बर्फ खा लो। जब ही सारा मूड खराब हो जाता है। चलो पीछे बैलेंस बनाते हुए, यहाँ नहीं फिसलना गाइस। ओए शाबाश, ठीक ठीक है पैर। हाँ
सही। किधर गए? अरे आगे चले गए। बोल देते भाई इस साइड को बाय। ओके बाय, चलो। तो भाई सिसु का ये जो स्नो पॉइंट है ये हमने कर लिया है पार, और अभी -3 degrees हो रखा है। अब वापस निकल रहे हैं मनाली की तरफ। भाई बहुत प्यारी जगह है। बस मेरे को यूं था वीडियो मेरा, मैंने सोचा कि रास्ता जो है उसमें बर्फ मिलेगी, तो एक्सयूवी बर्फ में क्या परफॉर्मेंस करती है मेरे को ये देखना था। बाकी कोई नहीं, प्लान बनते रहते हैं और व्यू देख लो एक बार और प्लान बन जाएंगे। कोई नहीं, गाड़ी हमारे पास है, जगह हमारे पास है, और स्नोफॉल हो सकता है कल, परसेंटेज है, हो सकता है। बाकी चलते हैं वापस मनाली। अटल टनल कर रही है पार, और बड़ा प्यारा मौसम, बड़ी प्यारी बर्फ यहाँ। तो चलो ब्लैक स्नो हो रही है, अब फिसलने वाला काम हो रहा है यहाँ पर। ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं ले पाया मैं, अच्छा हुआ। और प्लान बताऊँ कैसे बना हमारा, मैं कॉलेज में क्लास में बैठा हुआ, मेरे बड़े भाई का मैसेज आया, चले चलो हम शाम को निकल गए। भाई साहब देखो कितना दिखाऊं, क्या दिखाऊं, क्या क्या दिखाऊं। और यार ये वाला तो कलर है ना एक्सयूवी 500 का, इसका मेरे को बहुत प्यारा फायदा लगा, इस पे मिट्टी बिल्कुल नहीं दिखती है। नीचे भैया चलो करो पैक। हेलो भाई, घूम फिर के वापस अपने स्टे पे आ चुके हैं, और अपने स्टे के बारे में मैंने आपको बताया नहीं ज्यादा। पर चढ़ा दो एक बार गाड़ी, थोड़ा देख के यार। भाई मनाली अपना सिसु से घूम फिर के वापस, और बड़ा ही भाई बहुत मजेदार। कैसी लगी जगह? नंबर अरे नशेड़ी। भाई बहुत प्यारी जगह, और हम तो गाड़ी से गए थे, हमें मज़े आ गए। बाइक से जो एक्सपीडिशन करते हैं ना। तो भाई आज सिसु घूमा है, बहुत मज़ा आया, और थोड़ी सी निन्नी की नैप लेके, और बस क्या बताएं मौसम के बारे में, मौसम के मिजाज अलग हो रखे हैं। हो सकता है बर्फ पड़े, मे बी यस। Let's see. तो ये थी कुछ हमारा छोटी सी ट्रिप थी अभी सिसु की, देखते हैं अगली कहाँ जाते हैं। अभी रोहतांग पास नहीं गए तो आज हो सकता है बर्फ पड़े। बाकी यही थी कुछ आज की वीडियो। आज अगर तो आपको चल गई ऐसी वीडियो आपके लाता रहूँगा, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। भाई मजे आ गए एक्सयूवी 1.99 वाली जो है ना, ये 2000 cc से कम वाली। इसकी एक चीज बताता हूँ आपको, इसमें सेम पावर है, डिस्प्लेसमेंट कम है उससे ना। इस गाड़ी में पंच थोड़ा ज़्यादा है, मेरी जो मैनुअल वाली एक्सयूवी 500 इससे भी हल्का सा, मतलब एकदम से वो वाला सिस्टम है इसका। बाकी इसका भी इन डिटेल रिव्यू लाऊंगा किसी दिन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। न्यू पूछे वो बात बता करिए सारा।